आज रक्षाबंधन है और आज हमारे साथ सुधीर राज सिंह जी हैं जो कि बुद्धिज़्म की जानकारी रखते हैं। आइए उनसे पता करते हैं कि बुद्ध के ज़माने में रक्षाबंधन का क्या महत्व था। तो सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। देखिए, इसका नाम रक्षाबंधन बाद में पड़ा। शुरू में इसका जो नाम था वो था रक्षा सुतंग दिवसंग। हम इसको कह सकते हैं रक्षा सुत दिवसंग। रक्षाबंधन बाद में हुआ। तो सवाल ये उठता है कि रक्षाबंधन का जो नाम बदला और रक्षा सुत दिवसंग या रक्षा सुतंग दिवसंग जो नाम था वो कैसे भुलाया गया? रक्षा किसकी कर रहा है और कौन कर रहा है, ये पुराने समय में बड़ा स्पष्ट था। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 और उनके शिष्य ने, जो उनके शिष्य थे, पूरे पूरे सुत दिए। सुत मतलब वो बातें बताई जो बातें जीवन में कल्याणकारी थी, गृहस्थ के लिए, राजा के लिए, देश के लिए, सेना के लिए, बीमार के लिए, पढ़ाने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए, खेत करने वाले के लिए, जंगल वाले के लिए, सबके लिए। तो भगवान बुद्ध का बैसाख महीने के अंदर महापरिनिर्वाण हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के प्राप्त हो जाने के पश्चात 3 महीने तक उनके जो सूत हैं वो चारों तरफ बिखरे पड़े रहे और उनका संरक्षण नहीं हुआ, यानी कि उनका रक्षण नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा खलबली मच गई कि भाई ये सूत इतने बिखरे पड़े हैं, अगर इनकी रक्षा नहीं हुई, यानी रक्षा नहीं हुई, तो ये हमारी भी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए इनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोच के जितने भी अर्हत, यानी कि जो अर्हत भिक्कू थे, अर्हत ज्ञानी थे, अर्हत टीचर थे, वो इकट्ठे हुए। उनकी संख्या 500 थी। उनके चेयरमैन जो बने वो महाकश्यप बने, और महाकश्यप ने कहा कि भाई सबसे पहले हम विनय को सुरक्षित करेंगे, रक्षित करेंगे। तो विनय का मतलब था कि जो टीचर्स के लिए, जो भिक्कुओं के लिए, जो भिक्कुणी के लिए जो नियम थे, उनको सबसे पहले संज्ञान करना, उनको इकट्ठा करना। वो इकट्ठे किए गए और उसके चेयरमैन बने उपाली। उपाली को विनय का बहुत अच्छा ज्ञान था, नियमों का, भिक्कुओं के नियम का, भिक्कुणियों के नियम का बहुत अच्छा ज्ञान था। उसके बाद में जितने भी सुत बचे उन सबको सुत संघाय के नाम दिया गया और वो इकट्ठे किए गए, वो संरक्षित किए गए, उनकी रखवाली की गई। और ऐसे करके उनके मृत्यु के 3 महीने पश्चात, भगवान बुद्ध की मृत्यु के 3 महीने पश्चात, जो सतपर्णी गुफा है राजगीर के अंदर, वहाँ 500 भिक्कुओं ने 7 महीने लगातार इकट्ठे होकर एक एक बात को याद किया। और जो आनंद थे, आनंद उनके चचेरे भाई भी थे और उनके सबसे अच्छे गणक भी थे। गणक का मतलब जो मेमोराइज करता हो, जो बातों को गणना करना जानता हो, उनको याद करना जानता हो, क्योंकि गणक एक प्रोफेशनल वर्क हुआ करता था उस समय। जो लोग याद करते थे और याद करके बोला करते थे उसको गणक बोलते थे। तो आनंद बहुत अच्छे गणक थे और वो भगवान बुद्ध के साथ भी थे, और सब जानते हैं कि उन्होंने भगवान बुद्ध से शर्त भी रखी थी कि आप कहीं भी जाएंगे, जो आपने वहाँ बताया है आप मुझे वैसा ही आके बताएंगे। तो भगवान उनको वैसे ही आके बताते भी थे। तो सुत पीटक, यानी उस समय तक अभिधम्म नहीं बना था, अभिधम्म भी उसी के अंदर ही था, सुत पीटक के अंदर। और 3 महीने बाद वो सारा का सारा सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया। वो जो बंडल था, वो जो पीटक था, वो जो बंधन था, जो सूतों को बांधा गया, उसको सूतों को बांधने की खुशी में, क्योंकि सूत बंध गए, अब सूत कहीं भागेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, कोई भूलेगा नहीं, और वो जो गणक है उसको याद करते रहेंगे, भिक्कू उसको आगे बढ़ा बढ़ाते रहेंगे। और वो सारा जो कार्य हुआ वो हुआ सावन की पूर्णमासी को, जिस दिन सावन का महीना पूर्ण होता है। सावन के महीने को पूर्ण होने की खुशी में जब ये शुरू हुआ कार्यक्रम, इसलिए उस दिन को यादगार दिन बनाने के लिए उसका नाम रखा गया रखा सुतंग दिवसंग, यानी सुतों को रखने वाला दिवस। इसलिए सुतंग रखंग दिवस बाद में, क्योंकि लोग सुत को सूत पे आ गए और सूत से धागे पे आ गए और धागा बांधने का एक परंपरा हो गया, तो ये सुतंग दिवसंग जो है, रखा सुतंग दिवसंग, पूरे विश्व का है, क्योंकि सारे लोग, मनुष्य मन से
और जो रूप है, जो शरीर है, उससे बंधे हुए हैं, और वो सारा का सारा भगवान बुद्ध ने बताया है। तो ये जो रक्षाबंधन है, ये उसी का अपभ्रंश है, उसी का भ्रमित हुआ नाम है, जिसको हम रक्षा सुतंग दिवसंग बोलते हैं, और ये सबकी रक्षा करता है। ये बड़ा छोटा सा हो गया है भारत में। सिर्फ बहन भाई की रक्षा करेगा, भाई बहन की रक्षा करेगा, भी कैसे करोगे? जब तक आप मॉरली स्ट्रांग नहीं होगे, जब तक आप चरित्र रूप से स्ट्रांग नहीं होगे, आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते। तो चरित्र रूप से और मॉरली स्ट्रांग होने के लिए जो सूत भगवान बुद्ध ने बताए थे, वो सूत पूरे जगत की, पूरे विश्व की, पूरे प्राणियों की रक्षा करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया। बाद में इसको बंधन कहा गया। बंधन मतलब बंधा, बंधे हुए हैं हम उससे। हालांकि लोगों ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, यहाँ से वो चला भी गया। और इस तरह से इसको सनूने भी बोलते हैं, जो ये आज का दिन है, इसको सनूने भी बोलते हैं। सनूने का पाली में, बाबा साहब ने जो पाली की डिक्शनरी दी है, उस डिक्शनरी में जो पेज नंबर 335 है, उसमें वॉल्यूम 16 के अंदर जो पाली का डिक्शनरी है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है सन्नीनो। सन्नीनो का मतलब है समोन्निन, यानी कि जो वर्षावास का दिन चलता आ रहा है, उसका लगभग कुछ समय सम रूप से कम हो गया, ऐसा कर करके बताते हैं। बाद में फिर लोगों ने कहा कि भक्तु सभ्य मंगलंग रखंतु सभ्य देवता, ऐसा करके सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सोत्ति भवंतु ते, ऐसे करके उन्होंने कहा कि ये पत्राण पाठ है, यानी जो रक्षा करता है। मगर मेन जो बात आई, वो मेन बात ये आई कि जो हमारे सुत जो हमारी रक्षा करते हैं, उनको सुरक्षित रखा गया, उस खुशी में इस त्यौहार को मनाया गया, और इस त्यौहार के चिन्ह चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, क्योंकि ये त्यौहार सारे उसमें बंधन के रूप में आता है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग रूप से बनता है, और ये हमेशा सावन की जब पूर्णमासी हो जाती है, सावन जब पूर्ण होता है, तब ये आता है, क्योंकि संघायन तभी इसकी आरंभ हुई थी। और ये बहुत ही क्या बोलते हैं, कमाल का है। इसको हम बहुत छोटे मोटे रूप में कहते हैं कि भाई ने बहन को धागा बांधा, या मैंने आपको धागा बांधा, या आपने मुझे धागा बांधा। बेसिकली धागा, क्योंकि सूत को सूत बोलते हैं और सूत से धागा बन गया, ये वो सूत नहीं है, ये वो सूत हैं जो 84,000 हैं, और हमको अच्छी तरह से इसको मनाना चाहिए, अच्छी तरह से इसका प्रतिपादन करना चाहिए। इसी को आज की डेट में रक्षाबंधन कहते हैं, रक्षाबंधन कहते हैं, और कहते हैं रखा बांधे, रखा भी बोलते हैं, रखड़ी भी बोलते हैं, यानी कि रखा बांध के आए हैं। तो रखा वही पाली का शब्द है जो आज भी चलता है, और रखा बांधना या रखड़ी बांधना या रक्षा, रक्षा में जो 6 वर्ड है वो पाली का नहीं है, ये बाद में वर्ड आया है। 6 वर्ड हमारे यहाँ पाली में नहीं होता, इसलिए जो खेत होता है उसको बाद में क्षेत्र बोला जाता है, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है। भगवान बुद्ध को कहा गया है वो क्षेत्री हैं, तब तक 6 वर्ड ही नहीं था, तो भगवान बुद्ध क्षेत्रीय नहीं है, भगवान बुद्ध खेती हैं। खेती का मतलब उनके पास खेत थे, एक एरिया था, और जितने भी लोगों के पास आज की डेट में जमीन थी या उस समय ज़मीनें थीं, उनको सबको क्षत्रिय आज की भाषा में बोला जाता है, उस समय खेतीय बोला जाता है। खेतीय वही लोग हैं जो खेत में काम करते थे, वही जो आधा के और खे जब हटा तो 6 बन गया, और वो क्षेत्रीय बन गए। क्षेत्रीय कहीं भी उससे संबंधित रही हैं कि कोई तलवार लेके, भाला लेके दुश्मन से लड़ रहा है, वो क्षत्रिय हो गया। क्षेत्रीय का मतलब है क्षेत्रफल वाला, और खेतीय पुरानी बात है, दोनों सेम है। धन्यवाद।